करनाल के मुगल माजरा में चमड़े की फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। परिजनों ने 17 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फैक्ट्री के पास शव मिलने से काफी देर तक अफरा तफरी भी मची रही। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति के परिजन लघु सचिवालय एसपी कार्यालय में एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को भी उठाया गया। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व उनके घर पर आकर बार बार हमला करते हैं और पुलिस में रिपोर्ट करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस रंजिश में पहले भी 2 व्यक्तियों की जान जा चुकी है और आगे भी परिजनों को धमकी दी जा रही है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि आरोपियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाया जाए। लघु सचिवालय में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम रूम से शव उठाने से मना कर दिया। बताते चले कि वहीं पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि वह पोस्टमार्टम करवाकर शव को उठा ले, उसी के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केस को CIA के हवाले कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के आश्वासन के बाद परिजन संतुष्ट नजर आए। इंसाफी हो रही है पहले जो शुरू से जो इनका। कौन से गांव से आए आप? मोदीपुर से आए हैं जी। तो क्या मामला आपका? मामला ये है जी, इन्होंने शुरू में जो वारदात करी थी तो ये किसी मेरे चाचा के घर में पड़ गए थे, तब के लड़के के घर में, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया था। कौन लोग हैं वो? वो मेरे गाँव के लोग है जी, हमारे पड़ोसी है साथ में। क्या नाम है? अनिल उसका नाम है, अनिल है, राहुल है, सनी है, और जी गुरनाम है, टिंकू है, सक्टू है, ये विक्रम, ये राहुल, ये सब है जी। सब मोदीपुर के हैं? हाँ सब मोदीपुर के हैं जी। और ये इनके साथ जी बाहर के कुछ आदमी भी हैं जो मान लो ये वारदात कर रहे हैं। हमारे को 1-2 दिन 10 दिन पहले धमकी दी जाती है, तो हमारी मान लो जैसे हमने सुनवाई मान लो पहले पीछे जो हमारे साथ केस हुए तो हमने बहुत कार्रवाई करी जी, तो इनको क्या करती है पुलिस, ले दे के कुछ भी करके छोड़ देती है। अब भी हमारा 4 भाई, हम 4 केस चला हुआ है इंद्री थाने में, तो उसके साथ कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है जी, तो वैसे का वैसे ही है। और ये उसके बाद 2 केस और हो चुके हैं, ये 2 मेरे ताऊ के लड़के हैं, सगे ताऊ के लड़के हैं, इनके साथ भी मान लो जो नजायज हो रही है तो बहुत ज्यादा गलत है। हम तो ये चाहो जी इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ, इनको ना बिल्कुल फांसी को हुक्म देना चाहिए, क्योंकि आज भी कल भी रात मारे को धमकी मिली है भाई, क्या नाम लेकर आते थारे, ये भी तो 2 ही मरे हैं, अभी तो 2-4 और लड़काएंगे, ये चीज हो रही है जी हमारे साथ। तो क्या कहना चाहते हैं? ये है जी, हमने सारा पूरा खतरा है जी हमारे, चलो ये 2 कांड हो गए हैं तो आगे भी हमारे को इनको धमकी दे रहे हैं जी। अभी हम मजदूर आदमी है, सवेरे घर से निकल जाते हैं तो हमने ये नहीं पता 9 बजे घर पड़े 10 बजे घर पड़े, तो मान लो हमने इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा है और इनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम आपका? जितेंद्र। कार्रवाई करे जाएगी। तो क्या वारदात हुई थी, किसके साथ हुई थी ये? तो इनके साथ ही हुई, मेरे जो भाई है उसके साथ ही हुई थी, ताऊ का छोकरा करमवीर के साथ। उसके बाद ये दूसरी वारदात इनके साथ हुई, उससे पहले हमारे साथ हुई थी जी लड़ाई दंगा, तो उसमें भाई को चोट मार दी थी इन्होंने, 2-3 महीने अस्पताल में भी रहा, बाकी केस चले आया, कुछ नहीं होया केस में जी, ना ही कोई सुनवाई हुई। वकील भी ये कह देते हैं जाओ तारीख ले लियो फलाने दिन आ जियो, कुछ नहीं हो रहा जी बिल्कुल भी, कोई किसी की कोई कुछ नहीं, सब नुई का नुई। रात भी कल की बात है, कल सुबह 7 बजे अरेस्ट कर लिया था उनको, कल शाम 8 बजे के करीब छोड़ दिया गया उनको, तड़की 4 बजे फिर उठा लेगी पुलिस उनको। हमने ना ही तो केस किया, हमने तो सिद्ध रिमांड वाले जाए आपके अपने आप ही बताएंगे सारा कुछ, हमने तो सीधी सी बात है जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको धमकी देते हैं, वो दहशत में जो मर गए हम कहाँ जाएंगे जी, हम मेहनती आदमी से बेरी डब्बा बांध के निकलते हैं, हमारे घर वाले भी मार दिए और बताओ हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों ने लेके गांव वाले सरपंच भी नहीं कुछ सुनाई कर रहे हैं हमारे, ना ही हमारे गांव वाले सरपंच, वो सब कुछ कोई भी मेंबर सरपंच कोई भी हमारे साथ नहीं है, उनके साथ है सारा कुछ मोदीपुर। हाँ जी मोदीपुर सरपंच लंबड़दार सब उनके साथ है। 2 बंदे 1-2 महीने के अंदर खत्म कर दो, 2 महीने 2 महीने उसना 30 2 महीने होंगे हमारे ना,
उससे पहले ही छोटा देवर खत्म कर दी। और अब भी दे रहे भी सारे एक दो बच्चा उन्होंने भी खत्म करेंगे चोरी की चोरी लिया था लिया था। कब की थी चोरी? चोरी की वारदात ब्याह का सामान ले रखा था लड़की का ब्याह दर रखा था उस टाइम बाद शादी करी मन लड़के कर लड़के डेढ़ साल के अंदर मतलब मेरे लड़के का मार दिया था ना जन्माष्टमी वाले दिन तो मतलब कि ऐसे ही बस क्या सब ऐसी तो मेरे घर वाले का मारी चोट तो कोई वो नहीं हुई मतलब उन्हीं व्यक्तियों ने मारा था अनिल और नहीं उसी ने मारा उसका। कितने लोगों पर मामला दर्ज है? मतलब कि तीन नहीं है पांच आए हुए 17 मतलब कि सारे इकट्ठे हो मतलब कि गुंडे और उनके साथ सारे इकट्ठे होकर मतलब हमला करा हुआ पांच तो मैं कैसा हमने कुछ नहीं पता और कुछ मतलब साफ चाहिए नीला ना जो जड़ुआ करके सनी इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों केस आपके मैं CIA में दे रहा हूँ और साथ में एक DSP साहब को सुपरविजन दे रहा हूँ ताकि केस की जांच सही ढंग से हो। ठीक है आपको फिर भी कोई यदि कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को फोन करके बताएं। ठीक है ठीक है पोस्टमार्टम करो पोस्टमार्टम से हो जाएगा उसके बाद पुलिस वाले रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है जाके पोस्टमार्टम जी। और जो लॉकडाउन में पैसा भरा जी हम कहाँ जाएंगे जी गरीब आदमी वो तो पैसे देते हैं पैसे पैसे कुछ नहीं होता जो जायज है पुलिस के पास में जो सबूत है जो आपके बयान है बाकी भी पुलिस अपने हिसाब से जांच करती है जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ठीक है ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।